राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सिंधी समाज का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचे। उन्होंने सिंधी समाज की जमकर तारीफ की, साथ ही भगवान झूलेलाल की जयंती पर मध्य प्रदेश में शासकीय अवकाश भी घोषित किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर सिंधी समाज का बड़ा सम्मेलन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंधी समाज के प्रदेश के विकास में योगदान को लेकर समाज की जमकर तारीफ की और कहा कि व्यापार के मामले में सिंधी समाज सबसे अव्वल है। सिंधी समाज ने ही कम दाम पर ज्यादा बिक्री का फॉर्मूला अपनाया है, जो बेहद ही कारगर है। भगवान झूलेलाल अत्याचार और अन्याय जब बढ़े उसका निर्मूलन करने आए, उनके जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में छुट्टी होगी, अवकाश होगा। ये बेस्ट काम में किया धूमधाम से जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम मना सके। चेटी चांद पर अब ये परमानेंट कार्यक्रम पहले से तय होके मुख्यमंत्री निवास पे मैं खड़े होके आपका हमेशा हर साल स्वागत करूंगा। वो फैसला हम लोगों ने किया। हिंदू दर्शन की बात आई, भगवान दास जी बता रहे थे कि हमने फैसला किया अब दूर है सिंधु दर्शन करने जाना है। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जाना चाहे तो पैसा ज्यादा लगता था। हम कोई सिंधु जिस नदी के किनारे हिंदू सभ्यता संस्कृति विकसित हुई वो बहुत पवित्र स्थान है हमारे लिए, वहां जाना ही चाहिए। लेकिन पैसा थोड़ा ज्यादा लगता था तो हमने कहा आधा हमारा आधा तुम्हारा, आधा सरकार लगाए आधे भाई बहन लगाए ताकि भागी यात्रा हमारी सहज हो जाए, सरल हो जाए। उसका हमने कोशिश किया। सिंधु दर्शन यात्रा पर मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक दल भेजने का हम लोग काम करते हैं। सिंधी अकादमी बेहतर काम करे इसलिए बजट में बढ़ोतरी हमने किया और और बता देना उसमें और बढ़ोतरी कर देंगे, क्योंकि सिंधी हमारी बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है और उसको समृद्ध करना, बनाए रखना, बचाए रखना, आगे बढ़ाना और समृद्ध करना ये हम सबका कर्तव्य है। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि भगवान झूलेलाल की जयंती पर मध्य प्रदेश में शासकीय अवकाश रहेगा। इस सम्मेलन में 30,000 से ज्यादा सिंधी समाज के लोग शामिल हुए थे। सिंधी समाज की अग्रणी संस्था भारतीय सिंधु सभा देश से मध्य प्रदेश में पिछले 36 वर्षों से कार्य कर रही है। पिछले 2 वर्ष पूर्व जब मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली इसके बाद लगातार मध्य प्रदेश में प्रवास करके जहां बहुत थोड़े से घर भी हैं, 15 घर भी हैं, वहां जाकर के मध्य प्रदेश में भारतीय सिंधु सभा की स्थापना की, वहां शाखा खोली। आज 85 स्थानों पर मुख्य शाखा, 51 स्थान पर युवा शाखा, 38 स्थानों पर महिला शाखा के माध्यम से एक संगठन खड़ा हुआ है। भाषा को कैसे बचाया जाए, हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं, अपनी विराट सभ्यता की रक्षा कैसे करें, इस पर हम लगातार चिंतन करते हैं। आज महासम्मेलन के रूप में आज हम इन सारे विषयों पर विचार करेंगे, क्योंकि आवश्यकता आज ये है कि 68 साल हो गए हमको अपना प्रांत गंवाए हुए, जो भी राजनीतिक परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आज हम सभी ईश्वर की कृपा से अपने पैरों पर खड़े हैं और आज हमको फिर से आवश्यकता लगती है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करके हम अपनी भाषा को, संस्कृति को और अपनी सभ्यता को बचाएं, अपनी कला को बचाएं, अपने साहित्य को बचाएं। इसके लिए भारतीय सिंधु सभा लगातार प्रयास कर रही है और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो मध्य प्रदेश में कुछ शिकायतें लोगों की रहती भी थी, शिकायत अपनों से होती है कि पट्टे, मालिकाना हक और मर्जर की समस्या पे, तो आज बहुत तहे दिल में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इस महत्वपूर्ण मंच पर आकर के सारे प्रश्नों का उन्होंने समाधान किया और बहुत जल्दी हमको मध्य प्रदेश में इन चीजों से राहत मिलेगी, पट्टों की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही उन्होंने सिंधु दर्शन यात्रा के लिए और अधिक मदद करने की, सिंधी साहित्य अकादमी में और ज्यादा मदद करने की और भी विभिन्न क्षेत्रों में शहीदों की प्रतिमाओं के स्थापना के लिए अनेक इन्होंने इन घोषणाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत मध्य प्रदेश का सिंधी समाज साधुवाद देता है, धन्यवाद करता है कि जिन हम प्रश्नों को करते हैं उसके पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका जवाब दिया है। हम आज इस सत्र में अब उन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे जिसके लिए महासम्मेलन आहूत है और मध्य प्रदेश में आज शुरुआत हुई है। धीरे धीरे अन्य प्रांतों में होकर के वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली के रामलीला मैदान में भी भारतीय सिंधु सभा का बड़ा कार्यक्रम सम्पन्न होगा। इस सम्मेलन में कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ और इसी कार्यक्रम में सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।